नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। तो स्टूडेंट मॉड्यूल जो यूडाइज का था वो यहाँ पर आपको लाइव दिख रहा होगा, जैसे कि अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। स्टूडेंट मॉड्यूल आपको जैसे पता था कि पेंडिंग था यूडाइज का, तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट मॉड्यूल का एक लिंक यहाँ पर शो होता होगा। क्या ये लिंक लाइव हो चुका है और जब मैं लॉग इन करता हूँ तो मेरे यहाँ पर क्या शो करता है, आइए एक बार देखते हैं। तो वैसे मैं आपको ओवरऑल बता दूँ, अभी तक ये स्टूडेंट मॉड्यूल अभी तक जो है लाइव नहीं हुआ है हमारे स्टेट के लिए, जिस वजह से ये जो मॉड्यूल है वो यहाँ पर आपको अभी तक वर्किंग प्रॉपरली शो नहीं करता होगा। तो एक बार मैं दिखा भी देता हूँ कैसे ये चलता है, क्या है यहाँ पर, क्या है इसकी वर्किंग। तो आइए एक बार देखते हैं। तो जैसे ही मैं स्टूडेंट मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आ जाता है कि स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, और यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है टीचर्स के लिए और जो स्कूल की बेसिक डिटेल थी उसके डिटेल के लिए हम लॉगिन करते थे अलग से, वैसे ही स्टूडेंट के लिए हम एक अलग से लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम इस लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे हमारे पास लॉगिन का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। एक बार हम उसे भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास यूडाइज का जो स्टूडेंट मॉड्यूल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ये नीचे दिया गया कैप्चा भरना है और लॉगिन करना है। तो एक बार मैं आपको लॉगिन करके भी बता देता हूँ, ये वर्किंग करता है लेकिन अभी तक जो है आपको अंदर मैसेज आता होगा कि ये अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, लाइव नहीं हुआ। तो कई बार होता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमारा क्या, हमारा ही स्टूडेंट मॉड्यूल जो है वो वर्क नहीं कर रहा, क्या हमारे वो इशू आ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ अभी तक ये मॉड्यूल प्रॉपरली लाइव नहीं हुआ है, ये अभी जस्ट जो है लाइव होने के इंडिकेशन है कि ये एक या दो दिन के अंदर अंदर लाइव हो जाएगा। तो आपको मैं दिखा देता हूं एक बार लॉगिन कर। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके पास इस तरीके का एक मैसेज आता है, सॉरी एरर अकर्ड, फॉर हेल्प एंड सपोर्ट प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन, योर स्टेट इज नॉट ब्रॉडेड ऑन SDMS पोर्टल। तो यहां पर यह मैसेज आपको आ जाता है क्योंकि अभी तक आपका जो स्टूडेंट मॉड्यूल है वो लाइव नहीं हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो इंडिया की 28 स्टेट्स हैं और बाकी जो यूटीज हैं वो पूरे का पूरा जो इंडिया है वो यूडाइज का पोर्टल फिल करता है। तो हर एक स्टेट की अलग अलग जो है पैटर्न है। जैसे आपको पता होगा कि पंजाब में जो है वो ई पंजाब पर डाटा जो है बच्चों का फिल होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको हर एक बच्चे की डिटेल यहाँ पर भरनी नहीं पड़ेगी, उसके लिए आपका डाटा जो है वो सिंक किया जा रहा है, जिस वजह से आपको जो यहाँ पर है एक या दो दिन में ये मॉड्यूल लाइव जो है मिलेगा, देखने को मिलेगा। और कई स्टेट्स हैं जिनके पास अभी तक अपना कोई स्टूडेंट मॉड्यूल नहीं उन्होंने बनाया, स्टूडेंट डाटा मेंटेन नहीं करते, उनके लिए ये मॉड्यूल प्रॉपरली हो सकता है कि वर्क करता हो, उनको दिख भी रहा हो यहाँ पर उन्होंने अपनी स्टूडेंट की डाटा एंट्री भी शुरू कर ली हो। सो इस वजह से कई स्टेट्स में ये मॉड्यूल शो नहीं हो रहा होगा, ऐसे ही उनको एक एरर आ रहा होगा और कई स्टेट में ये मॉड्यूल है प्रॉपरली वर्क कर रहा होगा। तो अगर आपके भी यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है कि योर स्टेट इज नॉट ब्रॉडेड ऑन SDMS पोर्टल, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मॉड्यूल है वो एरर है, वो वर्क नहीं करेगा या कुछ ऐसी इशू है। वो वर्क करेगा लेकिन एक या दो दिन के अंदर या विद इन अ वीक आपका जो लाइव आपको शो होना दिख पड़ेगा, बच्चों का मॉड्यूल जो है वर्क करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट जो है अपने चैनल पर लाकर बताता रहूंगा। तो इसी तरीके से बने रहे हमारे चैनल के ऊपर, मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।